नमस्कार, मैं हूं संदीप भिलारी और जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड नटवार थाना में पहुंच चुका हूं, जहां पर श्री रामनवमी की शांति समिति का बैठक किया जा रहा है पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध के माध्यम से। सबसे पहले मैं देशवासियों को जगदूत न्यूज के माध्यम से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को ये नवरात्रि खुशी के साथ बीते। भगवान राम के जन्मदिन का है, हम अच्छे फल से बनाएंगे। आप लोग का सुझाव दीजिएगा, बिना परमिशन के कोई जुलूस निकालना है डीजे रखना है परमिशन के, ना तो डीजे वाले का डीजे भी सीज होता है कार्रवाई। नियम दिया गया है उसमें ध्वनि विस्तारक निश्चित किया गया, उतना ही बजाना है जितना उनको सुंदर, आगे के पड़ोस वाले को किसी को परेशानी नहीं। हमारा घर हम यहाँ साउंड बॉक्स खोल देंगे, बजाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे तो कंप्लीट कर सकते जी। नहीं केवल पर्व के ही अवसर पर इसका प्रतिबंध है। पप्पू राय जी, श्री भागीरथ चौबे जी, दिवाकर पांडे जी, रमता राय जी, श्री सुभाष राय जी, महेंद्र चौबे जी सहित यहाँ पर उपस्थित आप सभी सम्माननीय गण, आप सभी समस्त जनों का, विद्वत जनों का, मैं पुलिस पब्लिक मैत्री कमेटी थाना समिति के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो बैठक है पर्व को शांति पूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित बैठक चल रहा है, जिसमें यहाँ पर नटवार थाना में नटवार बाजार से अभी चल रहा है, साल से जुलूस निकल रहा है। इस वर्ष आदर्श आचार संहिता लागू है, बाजार में फल दुकान नहीं है जिसका जो कल शनिवार 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये पर्व चल रहेगा, रामनवमी का व्रत 14 को संपन्न हो रहा है। इस बीच में आप सभी तमाम सदस्य जन का कर्तव्य बन रहा है कि हर जगह इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और इस पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में आप सभी तमाम सदस्य जन का भी विचार बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं पुलिस पब्लिक मैत्री कमेटी गांव नदौवा के ग्राम स्तरीय अध्यक्ष दिवाकर पांडे जी से चाहूँगा कि अपना इस संबंध में विचार रखें। सबसे पहले तो बधाई आप लोग को देते हैं कि आप लोग के बलबूते ही हम लोग शांतिपूर्वक इस सौहार्द जो अभी आने वाला महापर्व है जिसको कहते हैं हम लोग चुनाव, उसमें शांतिपूर्वक से हम लोग होली को निकाल लिए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक पर्व मेरे नज़दीक और आ रहे हैं, वो दो पर्व है, जो छठ भी हो जाते हैं और उसमें रामनवमी भी। जहाँ तक जानते हैं कि रामनवमी हर्षोल्लास और मतलब इसमें अस्त्र शस्त्र के साथ निकाला जाता है, लेकिन जहाँ तक हम आपसे बताते हैं कि जो चुनाव आदर्श आचार संहिता चल रहा है उसमें बड़ा वो बताएं कि 144 धारा लग गया है, जिस दिन से मतलब अनाउंस हुआ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है उस दिन से 144 अनाउंस हो गया। का मतलब ये होता है कि दो आदमी से अधिक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते,
पर्व है भाई हमारा साथ। अब पर्व में तो सब खुशी सौहार्द का माहौल होता है, उसमें अधिक से अधिक संख्या रहता है। तो कोशिश यही करा जाए हम लोगों को कि भाई जहाँ से भी जुलूस निकले, जुलूस तो एक आदमी से निकलता नहीं, जुलूस तो मोर देन 10 से ऊपर ही होता है, जहाँ से जुलूस निकले आप लोग अपने क्षेत्र में इतना कह दीजिए कि आप लाइसेंस ले लो। पहला काम लाइसेंस ले लो, चूँकि हम लोग बंधे हुए हैं सरकारी नियमों से। हम लोग अगर अधिक देखते हैं, अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के बीच ही काम करना है, आप लोगों से परे नहीं जाना है। तो हम तो नहीं चाहेंगे किस तरह हो, लेकिन व्यवस्था तभी होती है जब आप लोग ये काम ना करें, गलत स्टेप उठाते हम लोग विवश हो जाते हैं, उसी को सुधारने के लिए हम लगे रहते हैं। 44 धार लगने से आप जुलूस निकालने पर पाबंदी हो जाती है। तो ठीक है, हमको जब जुलूस निकालना है, हमको स्वार्थ पूरा बनाना है, तो ठीक है लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस में है क्या, लाइसेंस में आपको एक कमेटी बनती है, कमेटी में एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और बाकी मेम्बरान होते हैं। साथ ही साथ उसमें आप लोग क्या है बाजा बत्ती और ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं, सब चीज़ का एक फॉर्मेट बनाओ, उस फॉर्मेट में आप लोग सब कुछ भर के दे। और हम लोग चाहेंगे तुरंत, चूँकि एक आया था दिनार थाना में, कोई अप्लीकेशन दिया था, हमने तुरंत उसको लेकर तुरंत फॉर्मेट किया SDO साहब को, हमारे बड़े प्रभारी जो है हमारे गार्जियन SDO साहब उनको, हमने तुरंत उसको भेज दिया, वहाँ से परमिशन मिल जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कहेंगे कि भाई अब इलेक्शन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन में बहुत तरह के माहौल होते हैं, जैसे कहने का अर्थात ये है कि बिना परमिशन में कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने कहा DJ कोई बजाता है, तो आप हम लोग को बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। DJ जब पता चलता है, मेरा नंबर भी आप लोग के पास है, सब बताएं हमको कि हमको वहाँ DJ, हम लोग जाकर उसको सीज करेंगे। या कहीं पर बिना कोई सशस्त्र कोई परमिशन के कोई सभा होती है या कुछ होता है तो हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि हम लोग आदर्श आचार संहिता को तोड़ नहीं सकते, हम लोग उसको अनुपालन हर हाल में करेंगे, चाहे जिस रूप में करना हो, ठीक है। और चाहेंगे कि भाई जो भी पूजा सौहार्दपूर्व हो, किसी से किसी को बैर नहीं हो, सब शांतिपूर्वक करें, ये चीज़ ज़रूरी है। एक बात और कहें कि अभी हुआ DJ की बात हुई, DJ निकाले, पहले तो DJ कहाँ था, पहले तो परंपरागत अस्त्र अस्त निकला ढोल नगाड़ा बाजा, उससे बढ़िया तो कहीं को दिखता है, DJ बजता है कान को भी दर्द और एक अलग बीमारी भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि इतना डेसिबल 17 डेसिबल से ऊपर हम बजा नहीं सकते, उससे अगर अधिक बजाते तो हम उसके खिलाफ चल जा रहे हैं, कान तोड़ रहे हैं, तो DJ तो बजाना उचित नहीं है। कोशिश कीजिए कि भाई हम DJ छोड़कर जो परंपरागत चला रहा है, जैसे ढोलक हो गया, गानवा, ताशा, झाल, ये सब लेके निकले, वो ज़्यादा बढ़िया है, वो मीठा भी लगता है सुनने में, क्योंकि जानते हैं कि अब जितना बढ़िया भोजपुरी भाषा है उतना बढ़िया भाषा तो शायद कोई नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसको क्या है, उसको अश्लील बना दिया गया। भोजपुरी भाषा के बारे में बताते हैं कि भोजपुरी भाषा को आप इंग्लिश में वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप कहते ना है कि हम लोग कहते इंग्लिश में बहुत कुछ कहते हैं, भोजपुरी कुछ कुछ भाषा इंग्लिश में नहीं कर सकते, जैसे कुछ कुछ करिया, करिया का तो ब्लैक कर सकते हैं, कुछ कुछ तो क्या करेंगे, चाहता लाल, लाल को रेड लिखे तो चाहता क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, पल पल पीला, पीला का तेलो लिख सकते हैं, पल पल क्या बोला जाएगा। तो लेकिन कितना मीठा ये भाषा है, लेकिन भाषा क्या कर दिया गया, इसको भाषा को मॉडर्नाइज ना करके इसको क्या किया, इसको ऐसा जो खेल दिया गया है कि लोग जानते हैं, इससे हमको समझते हैं, आप लोग जब इसे गाना बजता हो तो आप लोग अंदर से दर्द निकलता है, हम लोग तो खुश आ जाते हैं, है ना। हम लोग भी बड़े बाबू, हम लोग वहाँ दिनारा थाना में कभी कभी हम लोग फेस्टिवल लगाते हैं, देखते कोई बजा के आ रहा है, सब थोड़ा चीज़ें क्या कि अपना बजा रहा, माइक लगा दिया बाहर, भाई सुनना तो अपने सुनना, अंदर लाग सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर लाग क्या सुनना, किसको सुना रहे हैं आप, तो तेज गाड़ी चला रहे, किसको सुना रहे हैं, दूसरा के डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए वही चीज़ करने के लिए, अरे भाई हम लोग भी घर में कहीं गाना सुन रहा था तो हम लोग एयरफोन डालते, कान में लगाते कि बगल में किसी का अपना डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो करने क्या जरूरत है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि भाई जितना आप सहयोग किए हैं होली में, उस तरह सहयोग इसमें भी करें, और जहाँ तक जो भी हो, चाहे वो किसी रूप से वो कानून तोड़ा जाए, जो भी जिससे कानून टूटता है, शराब हो गया या उपद्रव हो जाता है या कहीं कुछ होता है, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन करिए, हम लोग उस समय हम लोग हमेशा तैयार हैं, उसके लिए हम लोग ये नहीं सोचना है कि भाई वहाँ हो रहा था हम क्या कर सकते हैं, बड़ा हुकुम कर, नहीं, हम लोग सबका उसका जिम्मेवारी, चूँकि हमारी सरकार उसके लिए भेजी है और हमारी सरकार ने वो काम करने बोला तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए होली कहीं के होली में बात होगा, लेकिन सही दिनारा देखिए, दिनारा में हमारा 3 थाना हो गया, बानस हो गया, दिनारा हो गया और ये नटवर, किसके सहयोग से निकला,
काफी लोग सहयोग से निकला, आप लोगों ने ये कहा कि भाई यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस हम पहले जाकर सोचते के लिए एकदम शांत हो गया, तो इसी तरह ये भी पर्व चाहें कि आप लोग शांतिपूर्वक हर जगह लोगों से बताइए, क्योंकि ये पर्व में युवा ज़्यादा अग्रसित होते हैं और होता क्या है कि भाई उन लोग यंग है मोटिवेशन कोई कैसे करके उधर की ओर बढ़ जाते हैं, तो समझाई कि नहीं अभी भाई अभी ये चीज़ नहीं, अभी समझो कि महापर्व पर्वों का महापर्व हमारे साथ अभी लोकसभा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव से पहले हमारे साथ ये चीज़ कंडीशन है उसको फॉलो करना है, हम इकट्ठा ना हो, अगर इकट्ठा हो तो उसका लाइसेंस ले, हम डीजे बजाए इतना साउंड इतना डिसिबल बजाए, ज़्यादा कम बजाए नहीं, हम अस्त्र का लेके नहीं निकले, परंपरागत जैसे लाठी उठी वो हम लोग निकाले, झंडा निकाले, कोशिश करें कि हम ना डीजे बजाए, हम ढोल ताशा इस सब लेके निकले, यही हम चाहेंगे, ठीक है, बाकी सहयोग।